जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी छोटी सी बाल्टी स्टील की, बहुत अच्छी लग रही है, क्यूट सी। ये शीतल लेके आई थी, मंगाई थी मतलब वो, तो इसलिए तो वो लेके आई थी। और यहाँ पर ये देखो, ये कैसे मस्ती कर रहे हैं। ये सो के उठे हैं अभी, मतलब इनको चाय वाय दी है तो ये, इनको ठंड लग रही थी ना तो कंबल के साथ ही उठ के आ गए। मतलब इनकी मस्ती चल रही है और कुछ नहीं, ये थोड़े से ऐसे ही हैं। मतलब जैसे मस्ती टाइम अगर मूड अच्छा होता है, ठीक होता है, तो ये मस्ती कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो ये मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मैंने इनकी वीडियो बना ली थी, ये देख कंबल लेके आ गए। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब भी ऐसी हरकतें करते थे, तो कुछ लक्षण ऐसे गुड़िया के अंदर भी आ गए हैं, वो भी ऐसे ही करती है नौटंकी। और यहाँ मेरा आटा लग गया है और मैं बना रही हूँ खाने में आलू के पराठे। और ये नहाने जा रहे हैं, टाइम शायद इस टाइम 8:15 का टाइम हो रहा था मेरे ख्याल से, हाँ 8 या 8:10 हो रहे होंगे। तो सुबह के 8:10 कुछ टाइम हो रहा था शायद। और यहाँ मेरे आलू उबल गए हैं तो मैं यहाँ पे फटाफट आलू निकाल लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी कुछ नहीं है तो आलू के पराठे बना दूँगी, दही से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं बस इनको आलू के पराठे बना के दूँगी। और यहाँ मम्मी, जब तक मेरे आलू ठंडे हो रहे थे, मैं इनका वीडियो बना लूँ थोड़ा। यहाँ मम्मी कर रही हैं दुर्गा कवच का पाठ, तो और इधर दूसरी तरफ ही अपनी शेविंग सही कर रहे थे। बट मेरे को इन पर बहुत गुस्सा आया, कसम से बता रही हूँ, बहुत इनकी शेविंग। ये आपने देखा था ना, मैंने वीडियो में आपने देखा होगा इनको, इनकी जो मूछें थी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, बहुत अलग लुक लग रहा था। पहले भी करा है लेकिन अब बहुत दिनों बाद करा तो अच्छा लग रहा था लुक मेरे को। तो मैंने सोचा, मैंने बोला था इनको ऐसे ही रखना करवा चौथ तक। तो इन्होंने कल ही, पता नहीं इनसे मिस्टेक हुई होगी, तो इन्होंने पूरी साफ़ कर दी। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस टाइम, मैं पूरी खाना बना रही इस टाइम भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन पर। मैं इनसे बात नहीं कर रही थी बस, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये होता है ना, कई चीज़ें हमें अच्छी लगती है और वो काम खराब हो जाता है, कल लगता है। इसलिए मैंने इनको बोला था, मैं ऐसे ही लुक रखना, अच्छा लग रहा है आपका, बट छोड़ो कोई नहीं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे इनके लिए। और ये नहाने चले गए हैं शायद अब, शेविंग वगैरह करके। और मम्मी की भी पूजा हो गई है तो बस फटाफट से, पहले तो मैं अभी जब तक ये नहा रहे हैं मैं तब तक लड्डू गोपाल जी को भोग दे दूँगी पराठे बना के। और दूध भी उबल गया लड्डू गोपाल जी का, तो यहाँ पे मैं पहले लड्डू गोपाल जी को ही दे दूँगी। अगर टाइम होता है तो मैं पहले लड्डू गोपाल जी को ही दे देती हूँ खाना नाश्ता, नहीं तो फिर बाद में दे पाती, क्योंकि खाना इनको टाइम से ड्यूटी भेजना भी ज़रूरी होता है। और थोड़ी सी आवाज़ शायद मेरी अलग लग रही होगी, क्योंकि वॉइस ओवर में थोड़ा इधर कर रही हूँ, उन्नति कार्टून देख रही है अंदर कमरे में, तो इसलिए। और बस पहले मैं अभी नाश्ता इनको दे दूँगी, फिर उसके बाद इनको दूंगी खाना। और यहाँ पे मेरी मम्मी की चाय बन रही है, इनको मैंने खाना पराठे वगैरह पैक करके दे दिए थे। तो बस यहाँ पे ये वही वाले पराठे हैं जो मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए थे और इनके लिए अलग से बना के दे दिए थे। तो यहाँ मैं पराठे गर्म करे थे, मैंने ठंडे हो गए थे ना काफ़ी देर के, तो चाय बनाई थी अपने लिए और दो दो पराठे आलू के। बस अच्छा वाला नाश्ता हो गया हमारा। चलो ताला ले लो, ताला ले लिया मम्मी, चलो 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 ना। हाँ मम्मी को घीस के ले जा रही है। हाँ हाँ चल रही हूँ, चल रही हूँ, चल चल रही हूँ, खींच के लाइए मैं अंदर से। इसके सैंडल लिया पीले वाले, हाँ पहना दे, लेके आती हूँ बस फिर। पानी सा भरा पड़ा है इनमें, तो पानी भरा हुआ है मम्मी, पिंक वाली है ये भी गंदी सी हो गई है। ये गंदी हो गई पिंक, बना दे बना दे। चलो ये पहनो, चलो पहनो, वो गीली हो रही थी। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए पहन, चलो आ जाओ। सुन चाबी लाऊंगी,
आप आ पाएगी खूब रेडी फेंक दिए कैसे फेंक के मेरी चीटियां खा लेंगी। और यहाँ पे मैं मम्मी उन्नति हम जा रहे हैं दीदी के घर पे जाना है मैं ऐसे ही दीदी के पास तो इसलिए चलो आज वहाँ पे चले जाएं तो घूमने तो वहीं पे चले हम तीनों। मम्मी को मंदिर जाना था तो मम्मी कह रही मैं वहीं से मंदिर चली जाऊँगी इसलिए तो फिर मम्मी फिर हमारे साथ गई थी। और ये वापस मैंने वहाँ पे दीदी के घर पे कोई ब्लॉग नहीं बनाया था वापस हम आ रहे हैं। ये शाम का टाइम हो रहा है शायद 4 बज रहे हैं मेरे ख्याल से हाँ 4:45 का टाइम। और ये दीदी और मैं दीदी भी हमारे साथ आ रही है। दीदी को जाना है किसी के मेहंदी लगाने उनको आती है मेहंदी लगाने थोड़ी बहुत तो इसलिए। और यहाँ रात का टाइम है ये रात के शायद 9:30 का टाइम हो रहा है। और यहाँ देवी का खाना खा रही है तो मम्मी ने दाल थोड़ी बची थी तो देविका को कटोरे में ही दे दी तो बची हुई दाल है ना वो देखो कैसे पिए जा रही है ये देखो कटोरे को पूरा उठा के पी लिया। और वहाँ साइड में कुर्सी पे अमित जी बैठे हुए हैं ये दोनों भाई भी आ गए हैं जॉब से। और दीदी अभी थ्रेडिंग बनवाने गई हुई है वो लेट गई थी मैं पहले चली गई थी थ्रेडिंग बनवाने तो बहुत भीड़ हो रही है पार्लर में अभी इसलिए एक एक करके हम ऐसे ही चले गए थे जिसको जैसे टाइम मिल रहा था वैसे ही लगवा के आ रहे थे करवा के आ रहे थे। और यहाँ हम लग रही है वैसे भी मास्क लगा हुआ है दीदी इसके ऊपर सोनी दिखेगी समय दिखाइए वाओ ओ ऐसे नहीं कर सोना दिखाइए सूखने दियो किसने लगाई सोना मेहंदी दीदी है दीदी ने बुआ बुआ हेलो और ये चाचू बैठे हैं चाचू कहाँ है सोना चाचू और यहाँ मैं मेहंदी लगवा के आ गई हूँ तो देवी का अपनी मेहंदी दिखा रही उसने अपनी मेहंदी धो ली कवाड़ा कर ली थोड़ा माफ़ कर देना वो थोड़ा सा कैमरा मेरा वो हो रहा होगा क्योंकि मेहंदी लगी हुई ना दोनों हाथों में समझ में नहीं आ रहा था कैसे पकड़ूँ और मेहंदी भी गीली थी मेरी इसलिए तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे इनका नाम भी लिखा हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है मुझे नाम बहुत अच्छा लगा मेहंदी भी अच्छी लगी है मैंने थोड़ी थोड़ी लगवाई है क्योंकि ऊपर तक तो चूड़ियाँ आ जाती हैं तो फिर इसलिए ये दिखा रही हूँ मैं आपको गीली हो रही है मैंने फ़ोन पकड़ा ना पूरा ये देख रहे हो इस हाथ की भी मैंने ऐसे लगाई है बस ठीक है सिंपल। और वो जो है ना वो हमारी मौसी जी मम्मी की बहन है ना उनकी बेटी हैं उनके बच्चे हैं वो लगा रहे थे मेहंदी हमारे तो बस। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ आपको मैं ये पहनने वाली हूँ साड़ी और ब्लाउज़ और चूड़ियाँ और ये कड़े वगैरह और बाकी जो ज्वेलरी पहनूंगी वो देखूंगी घर में से ही कुछ रखा होगा तो वो पहनूंगी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ज्वेलरी पहनूं तो बस यही पहनने वाली हूँ मैं ये कान के हैं वो साड़ी से मैच करते हुए तो बस ये पहनने वाली हूँ आज मैं करवा चौथ वाले दिन मतलब सॉरी हाँ कल ही ये आज ब्लॉग जाएगा तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी साड़ी कैसी लगी ये भी बता दीजिए। और चलिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय राधे राधे जय गुरु जी और सब अच्छे से करवा चौथ मनाना और भगवान सबके सबके हस्बैंड सबके सुहाग को बहुत अच्छे से रखे सबको अच्छे से रखे बाय।